सो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फाइनल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। ईच एंड एवरी बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये जानना चाहेगा कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हर एक बिजनेस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए ही फाइनल अकाउंट बनाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो, सभी के केस में फाइनल अकाउंट बनता है। हाँ, कंपनी के केस में थोड़ा सा फाइनल अकाउंट अलग बनता है। सो फाइनल अकाउंट पे हम दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन इनफैक्ट बैलेंस शीट होता है, और इनकम स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को जानने के लिए बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, बस एक समरी होता है जिसमें हम अपने क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं। क्लोजिंग का मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो इस वीडियो के सीरीज़ में हम लोग ये तीनों चीज़ बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम लोग बनाएंगे। आज की इस वीडियो में केवल ट्रेडिंग अकाउंट सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे सबसे हेड में डालना है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन डेट डालनी है जो भी डेट रहे एज पर क्वेश्चन, और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, ऊपर में डेबिट और एक साइड क्रेडिट रखना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रहेगा। एंड ये जो चार चीज़ें आपको दिख रही है नीचे पर्टिकुलर्स के नीचे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, उसमें से लेस करना है आपने रिटर्न, उसके बाद बाय सेल्स, उसमें से लेस करना है रिटर्न, एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हर एक ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या करना है, डाल देना है, एक्सेप्ट एडजस्टेड परचेज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सभी आएंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहते किसको हैं, जो जनरली फैक्ट्रीज में होते हैं इनकर्ड, या फिर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का डिटेल जानना हो, या फिर ये जानना है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, तो ये डिटेल है जिसको आप नोट करके रख सकते हो या फिर लर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेज आता है, परचेज रिटर्न जो है जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये हम लोग परचेजेस में से रिटर्न करके लेस करके दिखाएंगे, आउटसाइड करते हैं जो मैंने फॉर्मेट में दिखाया था, और कुछ और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सम ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर लाइक वेजेस हो गया, कैरेज और कैरेज इनवर्ड हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, कस्टम ड्यूटीज़, डॉक ड्यूटीज़, ये सब, फ्यूल एंड पावर, तो दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच यू कैन लर्न ईजली, और ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सभी प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो फिलहाल तो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे, और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट पहले लेते हैं, रुकिए। ये एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है प्रॉपर, जिसमें मैंने लिखा है कि जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये सब लिखा है। तो पहले इसका कुछ कुछ अमाउंट लेते हैं। चलो मैंने सेल्स ले लिया 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, और इधर ओपनिंग स्टॉक भी ले लिया। तो अब देखो जैसे जो भी आएगा तो आप सबके अमाउंट साथ साथ में लिख देंगे, एंड देन इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो आप क्रेडिट साइड में टोटल 7 लाख आ रहा है और डेबिट साइड में टोटल 4,30,000 आ रहा है। जो बिगर होगा उसको दोनों तरफ आपने लिखना है, जैसे 7 लाख बड़ा है तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर उस 7 लाख में से 4,30,000 को माइनस करना है, एंड देन जो भी आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अगर क्रेडिट साइड बिगर होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बिगर होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट बिगर होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड का अमाउंट बिगर होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। दोनों को आपने पहले क्या करना है, अलग अलग सम कर लेना है। जो बिगर होगा वो टोटल में दोनों तरफ आपको लिखना है, जैसे मैंने 7 लाख लिख रखा है, ठीक है। एंड देन चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करो इसको खुद से बनाने का,
मैं इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने रेड से टिक किया ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्वेश्चन के नीचे में गिवन रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ना हमेशा क्वेश्चन के नीचे रहेगा। तो चलो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फिर आपको परचेजेस लिखना है, वो भी इनर कॉलम में, ऐसे ही 2,30,000, एंड देन उसमें से लेस करना है परचेजेस रिटर्न, जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे केवल रिटर्न लिखा है, सो परचेजेस रिटर्न एक बार आप क्वेश्चन में देखो, दैट इज़ द 10,000। सो 2,30,000 में से मैंने 10,000 माइनस करना है, और ठीक इसी तरीके से आपको 220 लिखना है, इधर उधर कहीं भी और नहीं, एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। एंड देन इधर लिख लेते हैं बाय सेल्स, क्योंकि ये चार आइटम तो फिक्स रहेंगे, वो लगभग लगभग सब में आएगा, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन होगा उसमें तो आएगा ही आएगा, तो आप ये चार पहले से भी लिख के रख सकते हो। तो चलो मैं इसमें से सबसे पहले सेल्स को ढूंढता हूँ, सेल्स 2,66,000, और उसमें से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो कि 6,000 है, तो 2,66,000 में से 6,06,000 गया, तो 260 आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक जो कि नीचे में है आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1,50,000, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। अब क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरली यही दो चीज़ें आती हैं। एंड देन अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइबिलिटीज एसेट सब दिया रहेगा, बट ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आपको केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइंड करके लिखने हैं, लाइक वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, हीटिंग लाइटिंग एंड वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली फैक्ट्री के अंदर इनकर्ड होते हैं, या फिर हमें गुड्स को मेंटेन करने में या ब्रिंग टू द फैक्ट्री में जो भी खर्च होता है उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डेफिनेशन मैंने पहले ही दे रखी है उसकी, तो आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वेजेस लिख दिया, हीटिंग लाइटिंग एंड वाटर भी फैक्ट्री का ही एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज ऑलरेडी फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया। उसके बाद एक्सपेंस ऑन परचेजेस ये भी यहाँ पे लिख देंगे 10,000, एंड देन कैरेज इनवर्ड भी आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ध्यान रखना है कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड वही ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब हमें एक बार इसको सम कर लेना है, तो ये आएगा 4,10,000, और फिर आप डेबिट वाले आइटम को भी सम करो, तो इसको भी हम लोग सम करेंगे, तो ये सम करके टोटल आएगा 3,69,000। सो बिगर कौन सा है इनको एक बार, बिगर कौन सा है 4,10,000, तो जो बिगर है उसे दोनों तरफ आपने क्या करना है लिखना है, तो मैं एक बार दोनों तरफ इसको लिख दूँ, 4,10,000 वॉज द बिगर, तो उसको मैं दोनों तरफ लिखूँगा, क्रेडिट साइड का बिगर था तो प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड का बिगर होता तो लॉस आता। इस तरीके से आप इसे फिर बंद कर दो इस तरीके से नीचे से, एंड देन आप देखेंगे क्या कि डेबिट साइड तो टोटल 4,10,000 आ नहीं रहा, तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा वही आपका प्रॉफिट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4,10,000 में से आप 3,69,000 माइनस कर दो, सो यू गेट 41,000 प्रॉफिट, सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट GP। अब इसको हमें यहाँ पे थोड़ा तरीके से लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड के आइटम को स्टार्ट करने से पहले टू लगा देते हैं और क्रेडिट साइड के आइटम को स्टार्ट करने से पहले बाय लगाते हैं, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 41,000 जैसे ही आप लिखोगे तो इसका टोटल सम 4,10,000 हो जाएगा, एंड इसके नीचे फिर लिखना है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।